स्प्रिंग हम सब जानते हैं, स्प्रिंग कैसा ऑब्जेक्ट है? स्प्रिंग एक हेलिकल ऑब्जेक्ट है। स्प्रिंग इज हेलिकल ऑब्जेक्ट। एक जो इलास्टिक वायर होती है उसको हम इस प्रकार से टर्न कर देते हैं एंड दिस शेप इज कॉल्ड हेलिक्स। शेप इज कॉल्ड हेलिक्स। तो हेलिकल शेप में जब वायर को हम टर्न कर देते हैं और इसमें इलास्टिसिटी काफी अच्छी होती है, तो फिर इसके अंदर कंप्रेशन और एक्सपेंशन की कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, कैपेबल ऑफ कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन। जिसमें कैपेबिलिटी होती है इसके एक एंड को हम फिक्स कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ से इसको हम कंप्रेस करेंगे, यहाँ से फोर्स लगाएंगे तो ये छोटी हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, और इसको अगर खींचेंगे तो ये लंबी हो जाएगी। ठीक है, जब एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स इस पर एक्ट करता है तो इस स्प्रिंग के अंदर जो है डिस्प्लेसमेंट होती है, और वो डिस्प्लेसमेंट तब तक रहती है जब तक वो फोर्स उस पर लगा रहता है। जैसे ही फोर्स वहां से रिलीज करते हैं तो स्प्रिंग अपने नॉर्मल शेप में आ जाती है। तो इसकी जो बेसिक यूटिलिटी है वो यही है कि कंप्रेशन और एक्सपेंशन होती है इसके अंदर, और जब एक्सटर्नल फोर्सेस रिमूव हो जाते हैं तो वापस अपने नॉर्मल शेप में आ जाती है। तो ये बहुत ज्यादा तो शॉक एब्सॉर्बर्स वगैरह की तरह यूज किया जाता है, बहुत जगह पे इसमें पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर किया जाता है, और पोटेंशियल एनर्जी फिर धीरे धीरे रिलीज होती है, तो एक एक्शन को परफॉर्म करते हुए रिलीज होती है। फिर स्प्रिंग जो है जनरली स्टील वायर की बनती है, स्टील वायर जो है वो काफी हाईली इलास्टिक होता है, बहुत इट्स अ वेरी गुड मटेरियल फॉर मेकिंग स्प्रिंग्स। और सिर्फ वायर की स्प्रिंग्स नहीं होती हैं, स्ट्रिप्स की भी स्प्रिंग्स होती हैं, ठीक है, जो स्पाइरल शेप में बनती हैं। तो स्प्रिंग का रोल है बेसिकली टू स्टोर पोटेंशियल एनर्जी, एंड व्हेन सेट फ्री इट रिलीजेस द एनर्जी ग्रेजुअली एंड स्लोली। जब तक इलेक्ट्रिकल वॉचेस नहीं आ गई थी, मतलब क्वार्ट्स की वॉचेस नहीं आ गई थी जिसमें हम सेल यूज करते हैं, उससे पहले सारी वॉचेस के अंदर स्प्रिंग्स होते थे, और वो स्प्रिंग को हम वाइंड करते थे, स्प्रिंग वाइंड करके उसमें हम पोटेंशियल एनर्जी भर देते थे, और वो पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे रिलीज होती थी और वो 24 घंटे तक उस घड़ी को चला के रखती। तो ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जो डेली लाइफ में हर पर्सन यूज करता है। मोस्टली जितने भी बच्चों के खिलौने होते हैं जिसमें चाबी भरी जाती है, उसके अंदर स्पाइरल स्प्रिंग होते हैं। उस चाबी से हम क्या करते हैं, उसके अंदर एनर्जी स्टोर कर देते हैं, और जब उसको सेट फ्री करते हैं तो वो स्प्रिंग की एनर्जी जब रिलीज होती है तो टॉय एक्शन में आ जाता है, काम करता है। तो इस प्रकार से ये स्प्रिंग्स को यूज किया जाता है। स्प्रिंग का जो फोर्स होता है, फोर्स अप्लाइड बाय स्प्रिंग, ठीक है, हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं तो स्प्रिंग क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। कंप्रेशन अगर इस डायरेक्शन में एक्स, तो स्प्रिंग का फोर्स इस डायरेक्शन में, अगर एक्सपेंशन इस डायरेक्शन में तो स्प्रिंग का फोर्स इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये दोनों हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, क्योंकि ये दोनों हमेशा इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। इक्वल नहीं कहना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, स्प्रिंग फोर्स हमेशा अपोजिट होते हैं, इसलिए इनका जो रिलेशन है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स। ठीक है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स। एक्स हो गया डिस्प्लेसमेंट और निगेटिव हो गया इसकी डायरेक्शन, और हम इसको इसलिए लिख लेते हैं फोर्स इज इक्वल टू माइनस के ऑफ एक्स। सो दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स इज द मोस्ट फंडामेंटल फोर्स विच फॉलोज हुक्स लॉ। विच फॉलोज हुक्स लॉ। द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो जब के फैक्टर है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट।
the factor or constant k is called spring constant. And magnitude of k is equal to F upon x. Force per unit displacement. Force per unit displacement. इसका मतलब हो गया इसके units हो गए newton per meter. इसके units हो गए newton per meter. ठीक है. Now if value of k is large, मतलब k की value large है, इसका क्या मतलब? ज्यादा फोर्स चाहिए थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट के लिए. जब स्प्रिंग को ज्यादा फोर्स चाहिए थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट के लिए, हम कहते हैं स्प्रिंग बहुत स्ट्रांग है, स्टिफ है. ठीक है, स्प्रिंग इज कॉल्ड स्टिफ. स्प्रिंग इज स्टिफ. ठीक है, जो सख्त होती है स्प्रिंग उसको स्टिफ स्प्रिंग कहते हैं. ठीक है, और जहां k की वैल्यू कम होती है and value of k is small, ठीक है, spring is called soft. spring को soft कहते हैं. तो soft spring generally आसानी से दब जाती है, और जो stiff spring होती है उसमें बहुत hard force लगाना पड़ता है उसको खींचने के लिए. ठीक है, तो ये basics हो गया spring का.